हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि क्या आता है, क्या एनर्जीज है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए जो हमारे व्यूवर्स, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, सर प्लीज गाइड कीजिए। The Tower, Knight of Cups, Three of Wands, Nine of Cups and Six of Swords. Let's see all kind of energies here. Justice, Ten of Pentacles, the Empress, the Hermit, and Ten of Cups. Okay, bottom of the deck is Knight of Pentacles. और राइट, सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, वर्गो मुझे दिखाई देता है स्ट्रांगली, लिब्रा है यहाँ पर, तुला राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं गाइज। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो नंबर 16, नंबर 11, नंबर 10, एंजल नंबर 10 की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं तो आपके लिए मैसेज है इस रीडिंग में। नंबर 9 एंड नंबर 12, तो ये नंबर्स यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। एंजल नंबर 12 भी अगर किसी को दिखाई देते हैं तो उनके लिए भी इसमें मैसेज है। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है जुलाई, नवंबर, अक्टूबर, मार्च, और नंबर 3 भी यहाँ पर है स्ट्रांगली। ओके, मार्च, सितंबर और दिसंबर। ओके, तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे, मंथ्स यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। तो अभी अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स और इमोशंस उनके, सबसे पहली चीज़ तो गाइस, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है, मतलब कुछ ऐसा वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत हैवी सा। कोई ना कोई कर्मा आई थिंक इन्होंने फेस किया है, या इनका कोई लीगल इशू चल रहा है जिसमें बहुत बुरी तरीके से स्टक है और इनके फेवर में कोई चीज़ नहीं हो रही है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ कार्मिक इनकी लाइफ में चल रहा है। ओके, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, द टावो का कार्ड है, सो टावो मोमेंट्स इनकी लाइफ में हो रहे हैं। कोई काम करने जा रहे बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। ओके, या कुछ होता है तो इनके खिलाफ हो रहा है और उसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ऑफकोर्स तकलीफ़ होगी। अगर हम कोई काम चाहते कि बने ना, बन रहा हो तो हमें तकलीफ़ होती है। अगर कोई काम शुरू किया नुकसान हो जाए तो तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनका कुछ ना कुछ कार्मिक टाइम चल रहा है जिससे ये डील कर रहे हैं और ये तकलीफ़ में है यहाँ पे।
एंड मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बहुत कुछ सोच भी रहे हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे, नहीं, उनके दिमाग में आप चल रहे हो, आपके थॉट्स चल रहे हैं. दरअसल वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं. अगर सीधा सीधा बोलूँ तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं और शादी करने के सपने देख रहे हैं. आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनको एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ दिखाई देता है. ओके एंड फीलिंग्स हैं बहुत सारी आपके लिए, बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं. जैसे कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, इनको आपके साथ शादी करनी है, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाना है, ये सब इनको कहना है आपसे. ओके तो ये सब कुछ दिल में इनके चल रहा है, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें चल रही हैं. मीन्स ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के. ओके एंड बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा. शायद ये आपसे ये बात बोलना चाहते हैं तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है. ओके आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आप इन्हें खूबसूरत लगते हो और आपके अंदर इनको आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो इनको पसंद है, बहुत पसंद है. एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि आप इनका जो ये प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे. ये आपसे शादी करने का प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, इनकी दिल की बात है, ये आपको आपके सामने रख सकते हैं. तो इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे. हो सकता है आपका कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो यहाँ पर ये भी है. एक्चुअली बहुत सारी विशेज़ हैं इनकी इस कनेक्शन को लेकर के. एंड यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है. जब भी अकेले बैठते हैं तो एक बेचैनी सी आती है इनको. क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सपने इन्होंने देखे हैं जब इनको लगता है ना कि यार वो नहीं होगा, उसके अलावा दूसरी चीज़ें होंगी, तो एक एक होता है ना कि नहीं, मुझे तो वही चीज़ें चाहिए. तो मुझे ऐसा दिखाई देता है सबसे पहली चीज़ तो ये कि अकेलेपन से गुजर रहे हैं अभी और बहुत सोच रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में ही, बहुत सोच रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है बाकी जगहों पर भी. एंड बहुत इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये नाइन ऑफ कप्स है. ठीक है, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं. इनका ये है कि अगर आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाते हो, अगर ये कैसे भी करके आपको अपनी लाइफ में वापस से ले आते हैं तो इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी. टेन ऑफ कप्स या नाइन ऑफ कप्स है, टेन ऑफ कप्स है. इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में, ये सोचते हैं बैठ करके ऐसा कि अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाते हो या ये आपको ले आते हैं कैसे भी करके, तो इनके सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, सारे सपने पूरे हो जाएंगे और एक अच्छा खासा पार्टनर मिल जाएगा, रिलेशनशिप मिल जाएगा जिसमें स्टेबिलिटी भी होगी और प्यार भी होगा. हो सकता है इमोशनली आप दोनों बहुत कनेक्टेड हो एक दूसरे से, इमोशनली आप बहुत अच्छे से समझते हो एक दूसरे को, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर. तो कुछ इस तरीके का इनका चल रहा है, इस तरीके के थॉट्स में ये हैं. लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, इट मीन्स कि बहुत स्लो है, मतलब एक्शन लेने में बहुत सोच रहे हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, लाइक यू नो प्लानिंग करना जिसे कहते हैं, तो वो दिखाई देता है. यहाँ से देखते हैं इनकी कुछ एनर्जीज. जर्नी कॉर्न कॉपिया अटैचमेंट सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल. सी आपके जो पार्टनर है ना, उनको आपके साथ लाइफ बहुत खूबसूरत लगती है. इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ लाइफ बिताने का मौका मिलता है, अगर आप इनकी किस्मत में आते हो, तो इनको अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर. क्योंकि यहाँ पर कॉर्न कॉपिया का कार्ड, इनको ऐसा लगता है कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी. मतलब आपका अगर साथ मिल गया तो ये वो सब कुछ कर जाएंगे जो ये करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक अटैचमेंट हो गई है इनको. इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर जाके ये कमज़ोर हो जाते हैं,
तो सिंपल सी चीज़ है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनके पास होते हो तो इनको स्ट्रेंथ मिलती है। ओके एंड यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं आपको मांगते हैं, यूनिवर्स से भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, क्या आप उनके हो, क्या आपके साथ ही उनका फ्यूचर होगा, ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में होते हैं। तो अटैचमेंट है आपके साथ बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं या आपके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा उनको महसूस होता है। ओके केयरिंग कनेक्शन, वो आपके और इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आप उनकी हैप्पीनेस हो, नो डाउट, यस हैप्पी फैमिली हैप्पीनेस हो। और इनको मतलब एक एक चीज़ मुझे बार बार कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि इनको एक हैप्पी फ्यूचर दिखाई देता है आपके साथ। ओके खुशियों से भरा हुआ आगे का टाइम इनको दिखाई देता है, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ आपका साथ मिल गया तो मतलब लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, हम बहुत खुश रहेंगे, ऐसा इनको महसूस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ये सोचते हैं कि अगर वो हुआ मेरी लाइफ में या वो हुई मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ बहुत सुंदर जाएगी। तो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लेट्स सी, यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूंगी मैं, चैनल मैसेजेस क्या है इनकी तरफ से। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो क्योंकि उसकी एनर्जी है यहाँ पर। यू आर परफेक्ट फॉर मी, इनका मैसेज है कि आप परफेक्ट हो इनके लिए एकदम। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, ये आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं अगर इन्होंने खो दिया है तो। डोंट बी सो इनसिक्योर, ये चाहते हैं कि आप बिलीव रखो, भरोसा करो, इनसिक्योर फील मत करो। कभी कभी विश करते कि हम कभी मिले ही ना होते क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो इनको लगता है कि यार इतनी अटैचमेंट हो गई और इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे अच्छा तो हम मिले ना होते तो ये तकलीफ ना होती। तड़पते हैं आपके लिए, सिंपल मैसेज यहाँ पर यही है। पुराने ओल्ड मैसेजेस वगैरह जो हैं इनके पास उनको पढ़ते रहते हैं एंड ये आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते अपने आप से दूर। यस लेट्स सी, यहाँ से कुछ एनर्जीज देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, सी मैरिज, किंग ऑफ कप्स। एक्चुअली आपके पार्टनर है ना, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है भाई, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, और वो आपको नहीं खोना चाहते बिकॉज़ उनको फीलिंग्स भी है आपके लिए और वो भी जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, और वो डिस्टर्ब है, नाइन ऑफ सोट्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उनको डर है कि कहीं आपको खो ना दे क्योंकि वो आपके साथ शादी करना चाहते। यस उनका बहुत स्ट्रांग है कि आप चाहिए उनको लाइफ में, ऐसा है, और वो इसलिए है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप दोनों के बीच में। तो उनका ये है कि ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जो मुझे इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करे या मुझे इतना प्यार करे। तो यस ये रियलाइजेशंस, या मैं ये कहूँ कि उनको पता चल रहा है आपके प्यार का, पहले शायद इतना एहसास नहीं था लेकिन अब हो रहा है उनको। आप बहुत केयरिंग हो,
बहुत ज़्यादा। और आई थिंक आपने इनके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो इनके दिमाग में चलता रहता है, और वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने आपकी, आपको उतना नहीं दिया जितना कि आप डिज़र्व करते थे, तो वो देना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको पाना चाहते हैं। पेन इस बात का है कि डर लगता है कि कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब मिक्स एनर्जी है आपके पार्टनर की। कॉन्फिडेंस आता है कभी, कभी डर लगता है, कभी पास्ट की कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो तकलीफ़ होती है। बहुत अलग अलग मिक्स हैं, कभी अच्छा पॉजिटिव फ्यूचर का सोच के खुश हो जाते हैं, तो अलग अलग एनर्जी है यहाँ पर। बट वो विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको पाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है आपने क्या कुछ नहीं किया इस कनेक्शन के लिए, मतलब उनको मालूम है कि आपने बहुत कुछ किया इस कनेक्शन के लिए। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थ्री कार्ड्स मैं यहाँ पर रखूँगी, आप अपने लिए कोई एक या दो कार्ड चूज़ कीजिएगा, तीनों मत चूज़ कीजिएगा, कोई एक या दो। ओके, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिए आप अपने लिए। मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको, प्रे कीजिए यूनिवर्स से, एंड आंखें बंद करके प्रे कीजिएगा, आंखें खोल के तीनों कार्ड्स को देखिएगा, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें वो चूज़ कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर आपने चूज़ कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो पॉज करके चूज़ कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, जो भी आपका क्वेश्चन है, देखो अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है, थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखो, डेफिनेटली ये सिचुएशन जो भी चल रही है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है, एंड आपके फेवर में आएगी, डोंट वरी। ओके, नाउ कार्ड नंबर 2 आपके लिए है, देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर है आपके लिए, आप जैसा सोच रहे हो ना उससे भी कई गुना ज़्यादा बेटर यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, सो बिलीव करो उनके ऊपर। एंड ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में एक प्रोसेस है, इस टाइम पर सिर्फ शांत रहने की कोशिश करो, यूनिवर्स पर बिलीव करो, वो आपके लिए कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। ओके, वो आपके लिए कुछ बेटर उन्होंने प्लानिंग की हुई है, और वो सही टाइम पर आप तक पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा, क्या प्लान किया, अपने आप आपके सामने आएगा, आपको बस सरेंडर करके और यूनिवर्स पर बिलीव रख के चलना होगा। ओके, कार्ड नंबर 3 है, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं गाइस, बड़े मेजर चेंजेस, हैप्पी चेंजेस। ओके, मतलब खुशियों से भरे हुए बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। सो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तक अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप सैड थे, दुखी थे, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा था, अब ऐसे बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में जो कि हैप्पीनेस लेके आएंगे, और अगर ये चीज़ें मिलने से या इस बदलाव से आपको खुशी मिलेगी, इसका मतलब ये है कि आप जैसा बदलाव चाहते हो ना वैसे बदलाव आने वाले हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।